हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फ्यूचर स्टडी। फ्रेंड्स, अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी को DSSSB का ये चौथा एडवर्टाइजमेंट आया है वैकेंसीज़ का। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 4 जनवरी है, तो लगातार डेली वैकेंसीज़ का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/20 है। इसमें आपने पहले देखा टीचिंग वैकेंसीज आई थी PGT पोस्ट के लिए, लेकिन उसमें क्या था कि सभी सब्जेक्ट्स पे वैकेंसी नहीं थी। इसमें बचे हुए सब्जेक्ट्स पे वैकेंसी निकाली गई हैं। तो देखिएगा, इसमें फॉर्म अप्लाई कब से कर सकते हो आप? 24 जनवरी से अप्लाई कर सकते हो और 23 फरवरी तक। अब देखिए, बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट थे PGT के, उन पे वैकेंसी ये रिलीज़ की गई हैं। जैसे PGT सोशियोलॉजी मेल फीमेल, इकोनॉमिक्स मेल फीमेल, हिंदी मेल फीमेल, सभी पे वैकेंसी बचे हुए सब्जेक्ट्स पे रिलीज़ की गई हैं। तो देखिएगा, कंप्यूटर साइंस मेल फीमेल, पॉलिटिकल मेल और फीमेल दोनों पे है। आगे है एग्रीकल्चर मेल, PGT ग्राफिक्स मेल, PGT संस्कृत मेल, PGT उर्दू मेल, PGT ज्योग्राफी फीमेल। देखिएगा, उसमें जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट था टीचिंग पोस्ट के लिए, उसमें ज्योग्राफी मेल की वैकेंसी थी लेकिन फीमेल की नहीं थी, लेकिन इसमें फीमेल की वैकेंसी निकाल दी गई है। आगे देखिए, PGT हिस्ट्री फीमेल है, PGT फिजिकल एजुकेशन फीमेल है, PGT होम साइंस है, PGT इंजीनियरिंग ड्राइंग मेल, PGT फाइन आर्ट्स मेल फीमेल, PGT फिजिकल एजुकेशन मेल, PGT म्यूजिक फीमेल, फिजिकल एजुकेशन टीचर। देखिएगा, फिजिकल एजुकेशन टीचर पे कितनी वैकेंसी है, 692। कितनी ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा चांस है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे है डोमेस्टिक साइंस टीचर, म्यूजिक टीचर पे भी वैकेंसी आई है, ड्राइंग टीचर पे भी, और देखिएगा TGT कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी आई है TGT पोस्ट के लिए। लाइब्रेरियन की भी, कई कैंडिडेट्स को वेट था लाइब्रेरियन का, और TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर। जो भी TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए एलिजिबल है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है, क्योंकि इसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 978, लगभग 1000 वैकेंसी है इसमें, और उनके लिए और भी अच्छा चांस है जो दिल्ली OBC के कैंडिडेट्स हैं। उनकी टोटल सीट कितनी है, 401। तो देखिए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। फिर पता नहीं कब वैकेंसी निकलेगी, तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, अपनी तैयारी में जुट जाइए। देखिएगा, जो PGT के कैंडिडेट्स हैं, अगर उसमें मास्टर होना, तो उस सब्जेक्ट में मास्टर होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने BEd नहीं की है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 12th ग्रेजुएशन और मास्टर में 60% से अबव मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, और जॉइनिंग के बाद 3 साल के अंदर आपको BEd करना है। तो अगर किसी ने BEd भी नहीं की है तो वो भी PGT के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिएगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो देखिएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, अपना सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद ही अप्लाई कीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। DSSSB मार्च 15 के बाद कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, DSSSB सर्दियों में कभी एग्ज़ाम नहीं लेता, तो इस भ्रम में मत रहना कि अभी एग्ज़ाम होगा, फैब में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होगा तो 15 मार्च के बाद ही होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। तो आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं, उसमें अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर दीजिए। चलिए, इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। थैंक यू।